नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपको थोड़ा बीजगणित के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूँ। उससे पहले कुछ जरूरी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जिसमें पहला है कि हम गणित क्या है, मतलब गणित क्या है। ठीक है, तो गणित में विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम संख्या, ठीक है, संख्या परिकलन करना, गिनती करना, ठीक है, फिर हम आकार, परिमाण, मात्रा, व्यवस्था, इन सब के जो लॉजिक का आपस में जो संबंध होता है, यानी संख्या, आकार, परिमाण, मात्रा, व्यवस्था, परिकलन करना, गिनना, ठीक है, अंक, इन सभी का जो आपस में लॉजिकल संबंध होता है, या इसी को गणित कहते हैं। ठीक है, तो गणित की वैसे कोई मेन डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो गणित की कई सारी शाखाएं हैं, तो जिसमें जैसे आपने सुना होगा कि रेखा गणित, अंक गणित, ठीक है, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, कलन, ठीक है, यानी कैलकुलस, और फिर ये आपका आता है बीजगणित यानी अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या है ये जानते हैं। तो बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बीजगणित में क्या होता है कि इसके अंदर हम संख्या या नंबर का इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह कोई और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके वेरिएबल यानी चर इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ऐसे ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और अंकों का पता करते हैं, संख्याओं का पता करते हैं। ठीक है, तो बीजगणित चर और अचर राशियों के समीकरण को हल करने तथा चर राशियों के मान को निकालने पर आधारित है। जैसे आपने देखा होगा x प्लस 3 बराबर 0 लिखते हो तो x बराबर उधर जाके -3 आ जाता है मान। तो यानी जो x है ये आपका चर है, वेरिएबल है, और 3 आपका अचर है, नॉन वेरिएबल है। तो इन्हीं इन्हीं के बारे में आपस में जो इनका रिलेशन है, जमा, घटा, गुना, भाग, इनका जो भी आपस में संबंध है, तो इसमें जो x का मान निकाला जाता है इसी को बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, तो बीजगणित क्या होता है, तो चर यानी वेरिएबल एक्स वाई जेड, अचर यानी गिनती 0 से लेके जितनी भी सारी गिनती होती है। ठीक है, तो चर और अचर राशियों के समीकरण को हल करने तथा चर राशियों के मान को निकालने पर आधारित है। तो यानी एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, ए का मान, बी का मान, सी का मान, तो ये सब निकालने पर आधारित है। तो हम इसको बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अंक गणित क्या होता है ये भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रेखा गणित क्या होता है, तो अंक गणित क्या होता है, अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को अंक गणित कहा जाता है। तो यह गणित की मौलिक शाखा है तथा इसी से गणित की प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ होता है। ठीक है, तो अंक गणित जो होता है ये बेसिक है, मतलब गणित की, क्योंकि इसके अंदर हम अंकों और संख्याओं से गिनती करना सीखते हैं, फिर उसी के आपस में जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम इसी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, अंक गणित में। फिर एक रेखा गणित होता है जिसे ज्योमेट्री कह देते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी आकृतियां देखते हैं और उनकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, परिधि, आयतन आदि के बारे में जानना चाहते हैं। इन्हीं सवालों के हल के लिए हम रेखा गणित का अध्ययन करते हैं। तो रेखा गणित आकृतियों और उनकी विशेषताओं के बारे में गणित है। तो आप कोई ठोस जानते हो, जैसे घन जानते हो, तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन, ठीक है, उसकी किनारों की लंबाई, शीर्ष, है ना, बिंदु, रेखा, किरण, ये सब के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वो आता है इस रेखा गणित के अंदर। ठीक है, तो ये भी बहुत काम की चीज है। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए बीजगणित, ठीक है, यानी अलजेब्रा। तो बीजगणित जो है आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बीजगणित को पढ़ने के लिए
जो सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है तो वो होती है आपके लिए बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले आपको छठी कक्षा से ही पढ़ा दिए जाते हैं, तो हम थोड़ा बारी बारी से उनको भी जानेंगे और नए नए सीखेंगे। ठीक है, नए नए भी सीखेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अगर फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर इसी को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको मिलेगा जमा घटा करके। ठीक है, तो एक तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और वही अगर हम चाहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पता करना, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब मान लो इन्हीं दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐड कर दिया जाए इससे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो जब इसको इसको ऐड करोगे तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा, तो एक और एक दो, ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो दो बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दो ए का स्क्वायर दो बी का स्क्वायर। तो अगर हम दो कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर माइनस कर दें a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो यानी इस पहले वाले में से दूसरा माइनस कर दें, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस होकर दो और दो चार ए बी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा चार ए बी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इनको समझना भी है और आपको इनको मुंह जवानी याद भी करना है। ठीक है, बिल्कुल ये आपके काम की है। अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें तो आपने इसको जरूर पढ़ रखा होगा। तो इसको बोलते हैं ए, एक बार ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर एक बार ए माइनस बी ब्रैकेट में। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। इसका उल्टा भी होता है कि अगर हम ए प्लस बी देख लें और ए माइनस बी देख लें तो सीधा उसमें फॉर्म लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा आपने ऐसा देखा होगा एक्स प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला देखा होगा, तो उसके लिए बोला जाता है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई में x और प्लस a मल्टीप्लाई बी यानी ए बी। ठीक है, तो ये सब आपके बारी बारी से जो फॉर्मूले हैं ये आपको हम लिखवा रहे हैं, आप इसको नोट कर लें और अच्छे से इसको दोहराएं, याद करें। ठीक है, तभी हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे उनको हल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला याद करने के बाद तो अब आते हैं हम a का स्क्वायर प्लस वन अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं a का स्क्वायर प्लस वन अपॉन a का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका a प्लस वन अपॉन a का होल स्क्वायर और माइनस का दो। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मूला खोलते हो और उसमें से दो घटाते हो तो यही आपका आ जाता है। ठीक है, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस प्लस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, बी की जगह वन अपॉन ए और प्लस बी का स्क्वायर, तो वन अपॉन में ए का स्क्वायर और घटा दो। तो ये ए से ए कट जाएगा तो दो बचेगा, इस दो से प्लस दो से माइनस दो भी कट जाएगा, तो आपको आखिरी में ए स्क्वायर और प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को कई जने x के टर्म में याद करते हैं कि x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन में x के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो x प्लस वन अपॉन में x का होल स्क्वायर माइनस दो होता है। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं और कि x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन x का स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है x माइनस वन अपॉन में x का होल स्क्वायर इस बार प्लस दो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं तो यहाँ प्लस लेना है, और अगर प्लस लेते हैं तो माइनस दो लेना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके काम के फॉर्मूले हैं। तो इतना आपको याद करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो a की पावर चार और घटा b की पावर चार पे, ठीक है, इसका फॉर्मूले पे, तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और फिर इसमें दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद
और इसको एक बार प्लस ब्रैकेट में और एक बार माइनस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल फॉर्मूला बना। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो इसका फॉर्मूला बनता है या तो ये वाला, ठीक है। तो आपको ये दोनों को बिल्कुल स्मरण रखना है, याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल ये आपके काम आने वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है? तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल बनेगा। तो इसका बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसी को हमने अलट पलट कर दिया है। जैसे आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नौवीं में पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला बताया जाता था ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर पढ़ा जाता था प्लस टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। ऐसे आपने ये पढ़ा होगा। तो बस हमने क्या किया है कि ये जो तीनों था ना, ये दो दो, इसमें दो कोमा लेके और ब्रैकेट में लिख के और इसे इधर जाके माइनस कर दिया है। तो बस यही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। आगे और भी फॉर्मूले हैं जो बारी बारी से आपको सिखाए जाएंगे। तो अगला है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये सब आप फॉर्मूला जानते ही हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। लेकिन ये वाला बहुत कम यूज होता है, आपको ये याद करना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस, अब इन दोनों में से हमने थ्री ए बी कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में। ऐसे हम a माइनस बी के होल क्यूब की बात करें तो a की क्यू प्लस, ठीक है, माइनस बी की क्यू, यह माइनस आएगा, तो माइनस बी की क्यू माइनस थ्री ए बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो इतना याद करने के बाद a की क्यू प्लस b की क्यू का फॉर्मूला याद करेंगे। तो इसका होता है ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको माइनस भी लेना है, ठीक है, यहाँ माइनस लेना है, बाकी प्लस से ये और ये प्लस है, ठीक है, बस ये माइनस लेना है। ऐसी ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस होता है। तो इतना फॉर्मूले आपको बिल्कुल दोहरा दोहरा के याद कर लेने हैं। अगला बढ़ते हैं ए की क्यू, ठीक है, और प्लस वन अपॉन ए की क्यू, इसको कई जने कहते हैं एक्स की क्यू प्लस वन अपॉन एक्स की क्यू, ठीक है। तो बात एक ही है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस वन अपॉन में ए की क्यू और माइनस तीन ब्रैकेट में a प्लस वन अपॉन में a, ठीक है। अगर x में कहें तो x प्लस वन अपॉन में x की क्यू और माइनस थ्री x प्लस वन अपॉन में x, ठीक है। तो इतनी चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे हमने प्लस लिया है तो यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ठीक है। और वही अगर हम यूं कहें x की क्यू माइनस वन अपॉन एक्स की क्यू, तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की होल क्यू और यहाँ प्लस आ जाएगा और थ्री एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपके लिए दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रख लेने हैं। तो अगला बढ़ते हैं हम ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू और माइनस थ्री ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल काम के हैं, ठीक है। इसी में अगर यदि जी वाला हिस्सा यानी a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो निकल जाता है तो ये इससे मल्टीप्लाई कर सारा जीरो कर देगा,
तब ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस थ्री ए बी सी सब जीरो हो जाएगा, और ये माइनस जो थ्री ए बी इधर आके बराबर हो जाएगा ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू बराबर थ्री ए बी सी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना आपको एक चीज और याद करनी है, यदि a बटा बी बराबर सी बटा में d हो तो हम इसको इस ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार a प्लस बी फिर a माइनस बी, ये बराबर होगा c प्लस डी और अपॉन में c माइनस डी। ठीक है, तो इसको हम कंपोनेंटो डिविडेंडो के नाम से जानते होंगे। ठीक है, ऐसे अगर आपको मिल जाए यदि a प्लस बी और बटा a माइनस बी बराबर ये c और ये बटे d है, तो a बटा में जो b होता है वो बराबर होगा c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी के। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी काम का है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपको एक ये चीज याद रखनी है कि यदि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो, तो वैसे यानी ऐसे व्यंजक में इस x का मान a ले लेना है, y का मान b और z का मान c लेकर एक संभावित मान निकाला जा सकता है, यानी प्रश्न को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो x की वैल्यू यही a के बराबर हो जाएगी, y के वैल्यू b के बराबर और z के वैल्यू c के बराबर हो जाएगी, और फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है।